जयंती में शामिल हुए हैं, आप सबका स्वागत है और आप सबको आगामी जिस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं और देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में हिंदी के प्रख्यात आलोचक, लेखक, साहित्यकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हम लोग बचपन से इनको लोकवादी तुलसी के रूप में जानते रहे हैं। इनकी किताब लोकवादी तुलसीदास को पढ़कर लोग तुलसीदास को जाने हैं। आप सबका स्वागत है। अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ उपस्थित हैं, विद्यार्थी भी यहाँ पर हैं, अध्यापक भी हैं और हमारे NCERT के विभागाध्यक्ष और अन्य सदस्य भी मौजूद हैं। उन सबका हम स्वागत करते हैं। प्रेमचंद एक ऐसा नाम है, मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ अलग से कहने की ज़रूरत है। यहाँ बैठा हर व्यक्ति प्रेमचंद को जानता है, प्रेमचंद की रचनाओं से परिचित है और मैं समझती हूँ कि अगर हिंदी का नाम आए तो प्रेमचंद के बगैर शुरू ही नहीं किया जा सकता। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, हम सब जानते हैं, और 61 के बाद से जितनी भी किताबें बनी होंगी, हिंदी की, अंग्रेज़ी की, उर्दू की, उन सभी किताबों में किसी न किसी कहानी, कोई न कोई कहानी प्रेमचंद की मौजूद रही है, अनुवाद के ज़रिए या फिर सीधे सीधे हिंदी में। इसलिए प्रेमचंद एक ऐसा नाम है जिससे अपरिचित नहीं है हम। लेकिन आज जो ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं, NCERT पहले भी इस तरह के कार्यक्रम करती रही है। 125वीं जयंती पर भी 2005 में एक कॉन्फ्रेंस किया था, सेमिनार किया था, और प्रेमचंद को पर बहुत कुछ, बहुत तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जब यहाँ कर रहे हैं, NCERT कर रही है, तो उसके कई उद्देश्य हैं। जो यहाँ पर आप नाटक अभी देखेंगे प्रेम बड़े भाई साहब, वो हमारे पाठ्यक्रम में है, अंग्रेज़ी में भी पढ़ाई जा रही है और हिंदी में भी पढ़ाई जा रही है, और वो उसका एक नाट्य रूपांतरण आप देखेंगे। नाट्य रूपांतरण के बारे में मैं दो लाइन जरूर बोलना चाहूँगी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD ने एक अद्भुत प्रयोग किया, क्योंकि बहुत सी कहानियों का नाट्य रूपांतरण उसके बाद ही शुरू हुआ जबकि वहाँ प्रेमचंद की कहानियों का नाट्य रूपांतरण हुआ। ये अपने आप में एक अद्भुत योजना के तहत उस समय वहाँ के निदेशक थे, उन्होंने शुरू किया था, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ हम नाट्य रूपांतरण भी उसका देखेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है कि हम सब लोगों को, चूँकि यहाँ अध्यापक हैं और विद्यार्थी हैं, हम लोगों को देखना चाहिए कि उनकी कहानियों का एक नया पाठ किया जाए। जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं उन रचनाओं का एक नया पाठ प्रस्तुत हो, ना कि जो बनी बनाई एक धारणा है प्रेमचंद के बारे में उससे कुछ अलग निकलने की भी हमें ज़रूरत है। क्योंकि हम लोगों ने नमक का दारोगा भी यहाँ प्रस्तुत किया है, ईदगाह भी हमने लिया हुआ है। आप देखेंगे कि नमक का दारोगा में जो आलोपी देन और वंशीधर का जो संवाद होता है, उस संवाद का जन आम तौर पर जो हम व्याख्या करते हैं वो यही करते हैं कि सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। लेकिन हमें ज़रूरत इस बात की भी है कि उसको इस नज़रिए से भी देखा जाए कि क्या आलोपी देन को वो स्वीकार कर लेना चाहिए था, क्या वो उनकी उन बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए था, उनकी उनकी जो मांग उन्होंने कहा क्या वो उचित था, ये हमारे विद्यार्थियों के सामने जाना चाहिए। एक और नज़रिए से मैं प्रेमचंद को आज के दिन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक उनकी कहानी है दो सखियाँ, मेरा ख्याल है कि जिसकी चर्चा शायद हम प्रेमचंद की अन्य कहानियों की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन दो सखियाँ की चर्चा आम तौर पर कहीं भी सुनाई नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि आज के समय में दो सखियाँ की पर बहुत अच्छे ढंग से विचार किए जाने की ज़रूरत है, और जब भी हम जेंडर संबंधी मुद्दों को की चर्चा करेंगे या उठाएंगे तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर तरीके से जेंडर की समझ पैदा करना, वो भी एक पुरुष लेखक के ज़रिए, अपने आप में महत्वपूर्ण है। उस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए, और वो केवल जेंडर नहीं बल्कि पूरे समाज में जो व्याप्त हमारी जो भावनाएं हैं उन सबको भी वो पूरे अच्छे से व्यक्त करती है। इसके साथ ही मुझे लगता है कि ईदगाह या इस तरह की रचनाओं को भी, या बड़े भाई साहब को, क्योंकि हमारे एक शैक्षिक संस्था में हैं, इन सबको नए नज़रिए से देखे जाने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं, हमेशा से करते रहे हैं और
आज फिर से एक बार कर रहे हैं। अब मैं इन सब कार्यक्रम के और आपके बीच में नहीं आना चाहूँगी, बस थोड़ी सी भूमिका के साथ सर का स्वागत करती हूँ। ये मेरे गुरु भी हैं, इन्होंने मुझे पढ़ाया है और मैं बहुत आभारी हूँ कि जो कुछ सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा है। और मैं नंगा तलाई का गांव और ब्योमकेश दरवेश जैसी रचनाओं के कारण आज बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी हुई रचना है, किताब है, आपको सबको पता होगा। और इन दिनों वो बहुत चर्चित रही कुछ सालों से। और इस उम्र में इस तरह का लेखन करने वाले, क्योंकि ये आप ध्यान रखिए कि ये सब बाद के लेखन है, रिटायरमेंट के बाद है। जनरली जब अवकाश प्राप्त कर लेता है मनुष्य तो ये सोचता है अब उसकी पारी खत्म हो गई, लेकिन इनकी विशेषता ये है कि उसके बाद पारी शुरू हुई है और उसके बाद बढ़िया से बढ़िया रचनाएं और एक से एक अद्भुत किताबें इनकी आई हैं जो चर्चे में है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है और हम सब लोगों के लिए ये सोचने की बात है। निदेशक महोदय, संध्या जी, लाल सिंह जी, ऐसे बहुत आदरणीय लोग होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लोगों का नाम यहाँ नहीं जानता, तो ये मेरी अज्ञानता है कि मैं इतने लोगों का नाम नहीं जानता। तो आदरणीय और प्रिय लोग, प्रेमचंद मेरे ख्याल से हिंदी के तो निश्चित रूप से शायद पूरे भारतवर्ष के कथाकारों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कथाकार होंगे। बहुत व्यापक उनका लेखकीय व्यक्तित्व है। लेकिन प्रेमचंद के बारे में सोचने से खुद, जब मैं सबसे पहले इस बात पर मेरा ध्यान गया था तो खुद मैं बहुत चौंका था और बहुत दिनों तक मैं इस पर सोचता रहा। हिम्मत नहीं पड़ती थी ये कहने की, लेकिन अब सोचा तो लगा कहना चाहिए। प्रेमचंद अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कथाकार हैं, लेकिन प्रेमचंद की रचनाओं का जो देश और काल है वो आश्चर्यजनक रूप से सीमित है। आप प्रेमचंद के शायद ही कोई प्रसिद्ध पात्र हो जो कानपुर से पश्चिम और बनारस के पूरब का हो, आपको खोज करके निकालें तो अलग बात है। लेकिन खोजकारों के बारे में रिसर्च, मैंने खुद रिसर्च किया है, इसलिए रिसर्च वालों के प्रति मेरे मन में कोई अवमानना का भाव नहीं है। जो उद्धृत करने जा रहा हूँ तो जोश मलिहाबादी का कहना है कि जो ये रिसर्चर होते हैं ये अदब के पटवारी होते हैं। लेकिन आप ये देखें कि बिल्कुल कानपुर से पूरब और बनारस के पश्चिम, शायद ही कोई ऐसा पात्र हो बड़ा। और यह सिर्फ देश की बात नहीं है, देश मानी स्पेस के अर्थ में मैं कह रहा हूं, टाइम का मामला और जबरदस्त है। एकाध ऐसी आप रचनाएं उनके देख लीजिए करबला जैसी, और आप जानते हैं प्रेमचंद तो इतिहास पर उपन्यास लिखना मुर्दे को उखाड़ना कहते थे। तो करबला वगैरह को छोड़ दीजिए, एक मुश्किल से कहानी ढूंढ पर मिलेगी जो नादिर शाह के समय की है, वरना बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं वो 1916 से लेकर के 36 तक देश कानपुर बनारस के बीच का, और जो काल है टाइम वो 1916 से लेकर के 1936 के बीच का। और इसी के बल पर प्रेमचंद जो अपनी रचनाओं में इतना और देश काल में इतना सीमित है, वो व्याप्ति और ख्याति में सबसे ज़्यादा है। बस ये समझ लेना चाहिए कि सीमित को संकीर्ण नहीं कहते, बस थोड़ा सही अगर आप ध्यान रखते हैं कि जिसको हम सीमित कहते हैं वो संकीर्णता का नाम नहीं है। यह स्थानीयता लगभग साहित्य की अनिवार्यता है। फणीश्वरनाथ है जो प्रेमचंद के पास सबसे बड़े दूसरे कथाकार हैं, वही पूर्णिया। और ये स्थानीयता
केवल साहित्य में नहीं है, केवल प्रेमचंद के यहाँ ही नहीं है। प्रेमचंद जिस युग में पैदा हुए हैं, उस युग के जितने बड़े लोग हैं, गांधी टिपिकल गुजराती, भाषा तो साथ तो शायद बोल ही नहीं पाते थे, समस्याएं थी। पहले शुक्रवार के दिन गांधी जी का एक रेडियो से एक भाषण हुआ करता था, वो बंद हो गया है। अगर आप देखते तो कहते कि हिंदी बहुत प्रवाह नहीं बोलते थे, और प्रवाहमयी भाषा को गांधी पसंद भी नहीं करते थे। टिपिकल रविन्द्रनाथ ठाकुर, ये सब अंतर्राष्ट्रीय हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर टिपिकल बंगाली, जवाहरलाल नेहरू अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, लेकिन जिन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू का हिंदी में भाषण सुना है वो जानते होंगे कि वो इतना उतना नहीं बोलते थे। टिपिकल इलाहाबादी रिक्शे वाले की भाषा, इतने 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 नक्शे थे, इतनी इतनी बातें थी हमेशा। तो आप ये देखते हैं कि ये स्थानीयता जो जितना ही स्थानीय है वो उतना ही अंतर्राष्ट्रीय है। ये और ये है स्थानीयता केवल पोशाक में नहीं है, सर्वत्र है। भाषा प्रेमचंद की जुबान ऐसी थी, प्रेमचंद की भाषा ऐसी कि हिंदी उर्दू वाले आपस में रस्सा कशी करें। उर्दू वाले कहते हैं कि प्रेमचंद हिंदी के कब से हो गए, हिंदी वाले कहते हैं कि जब समझदार हुए तो हिंदी में आ गए। मौलाना शिबली जो उर्दू के रामचंद्र शुक्ल हैं आजमगढ़ वाले, मौलाना शिबली ने कहा कि उन दिनों हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 7 करोड़ थी। शिबली के समय में शिबली नुमानी ने कहा कि हिंदुस्तान में 7 करोड़ मुसलमान हैं, हाय एक भी ऐसा नहीं है जो प्रेमचंद जैसी उर्दू लिख सके। प्रेमचंद की उर्दू उर्दू होते हुए भी उर्दू नहीं है, प्रेमचंद की हिंदी हिंदी होते हुए भी सिर्फ हिंदी नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है वही कानपुर और बनारस के बीच की जो भाषा है उसकी अमृता नागर का शब्द ने ठीक शब्द वही पड़ेगा इसके लिए जो मैं कहना चाहता हूँ, अवधि की या पूर्विया की, पूर्विया कहें नहीं तो अवधि और भोजपुरी का झगड़ा शुरू हो जाएगा, पूर्विया की तरावट, तरावट जानते हैं जब मकान बनता है तो उसकी तरावट दी जाती है, तो प्रेमचंद की जबान में जो पूर्विया की तरावट है, जहाँ मुरहंड शब्द है, ऐसे ऐसे शब्द प्रेमचंद क्या निकालेंगे, तो वो प्रेमचंद की जबान को हिंदी होकर भी हिंदी नहीं, उर्दू होकर भी उर्दू नहीं, और इसलिए हिंदी उर्दू दोनों से अलग और बड़ी, ऐसी बड़ी कि जो प्रेमचंद की भाषा प्रेमचंद की रचनात्मकता का वहन कर सकती, ऐसी भाषा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये प्रेमचंद के बारे में सोचते हुए कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए। और इस स्थानीयता से सहजता एकदम से जुड़ी हुई है। जो आदमी जब आप अपनी जगह छोड़ते हैं, आप याद रखिए जो सार्वभौमिकता है, जो स्थानीयता है, इसमें कोई विरोध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना स्थानीय हुए आप अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकते, और जो अपनी जगह का नहीं होता वो या तो बस कहीं का नहीं होता, वो सीधे स्वर्गीय होता है। अब ये क्या है जो स्थानीयता होती है वो कौन सा जादू पैदा कर देती है? साहित्य में आकर के स्थानीयता प्रतीक बनती है, और प्रतीक आप जानते हैं,
प्रतीक वो होता है जो जहाँ है वहाँ है और जहाँ नहीं है वहाँ भी है। प्रतीक का मतलब यही हुआ ना, प्रतीक का मतलब यह है जो जहाँ है वहाँ है तो है ही, लेकिन जहाँ नहीं है वहाँ भी है। इसीलिए जब प्रेमचंद की मृत्यु हुई तो केरला मलयालम के रचनाकार चंद्रहासन ने कहा, किसी हिंदी वाले या उर्दू वाले ने सबसे पहले बात नहीं कही, हिंदी तिर प्रदेश के इतने बड़े साहित्यकार मलयालम वासी चंद्रहासन ने कहा कि प्रेमचंद सिर्फ हिंदी के नहीं हैं, प्रेमचंद मलयालम के भी हैं। वो कौन सी बात थी? जाहिर है एक बात का ध्यान रखिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कहीं अगर आप ये समझ लिया कि मेरा ये कहने का मतलब है कि कानपुर से और बनारस की जगह कोई बड़ी अलौकिक जगह है, तो जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ उसका उल्टा होगा। ये कोई जगह नहीं, बागपत से लेकर के दिल्ली की जगह में भी वही जादू है जो कानपुर से लेकर बनारस के बीच की जगह में है। जो स्थान ये प्रतीकत्व तो सर्वत्र विद्यमान है, और ये साफ से कहा कि जो जो स्थानीय होता है वो सुपरिचित होता है, हमारे रक्त में होता है। आप एक चीज की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, याद आ गया मुझे। देखिए हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी के भी लेखक हैं, और अब तो अंग्रेज़ी को भारत की भाषा मेरे ख्याल संवैधानिक रूप से मान ली गई है। अंग्रेज़ी के ऐसे कई नॉवलिस्ट हैं, स्टोरी राइटर भी हैं, जो हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, बहुत हैं जो हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं, भारतीय स्थितियों के बारे में हिंदुस्तान के अंग्रेज़ी लेखक काफ़ी लिखते हैं। ये हिंदी समाज के बारे में जानता हूँ, दूसरे समाज के बारे में नहीं जानता। हिंदी समाज इतना जागरूक विवेकवान है, शायद आप तालस्ताय का हिंदी में अनुवाद बहुत लोकप्रिय है, शरद चंद्र के जो हिंदी के अनुवाद हैं वो तो इतने पॉपुलर हैं कि बहुत दिन तक हमको समझते थे कि शरद चंद्र हिंदी के हैं, बंगला के नहीं हैं। आप गुजराती में केएम मुंशी के नावल गुजराती के पढ़ते हैं तो लगता है आप एंटन चेखव तालस्ताय है, बहुत पॉपुलर है हिंदी समाज में अनुवाद में। लेकिन क्या खुशवंत सिंह भी हिंदी समाज में अनुवाद में इतने पॉपुलर हैं? क्या के रामा राव भी हिंदी समाज में अनुवाद में इतने पॉपुलर हैं? क्यों नहीं? ये मिस्ट्री है, क्यों नहीं है? उसका कारण ये है कि जो तारस्ताय जो हैं, जो एंटन चेखव हैं, वो अपने देश का बयान स्थानीयता का वैसे ही कन्विंसिंगली करते हैं जैसा कि प्रेमचंद करते हैं। और ये जो खुशवंत सिंह जी हैं, ये हिंदुस्तान का बयान वैसा कैसे करेंगे जैसा प्रेमचंद करते हैं, जैसे फणीश्वर रेणु करते हैं? ये समाज के पाठक का, सामान्य पाठक का विवेक है। आलोचक अपनी जगह पड़े रहे हैं, साहित्य की कसौटी आलोचक कभी नहीं हुए। साहित्य की कसौटी उस दृष्टि से देखें तो प्रेमचंद के तो केवल दो तीन आलोचकों को देख करके प्रेमचंद को किसी फर्स्ट रेट क्रिटिक ने तो तारीफ नहीं की है। इसलिए ये स्थानीयता, ये सहजता और इसमें क्रिएटिविटी है, इसमें सृजनात्मकता है। एक दूसरी बात और, जो उपन्यास जो गद्य रचनाएं होती हैं, गद्य रचनाएं और कविताएं, हम लोग गद्य रचनाओं के बारे में सोचते हैं जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। कविता को हम बड़ी सघनता से पढ़ते हैं, कविता में बहुत कम जगह में बहुत स्पेस होता है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ताज्जुब बात नहीं कह रहा हूँ, और आप मैं अपना आशय प्रकट कर पा रहा हूँगा कि मैं ये कैसे कहूँ कि आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरा मतलब यह कहने का। मेरे कहने का मतलब यह है कि कम से कम जगह में कविता में इस
कब जगह होती, कब शब्दों में बहुत स्पेस होता है। कविता की और गद्य की पहचान यही है। कविता में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बड़ी द्रुत गति से होता है, मुख कमल हो जाएगा, गद्य में नहीं हो पाएगा। तो कविता में कहा जाता है कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, कविता का प्राण तो लय है, एक ही लाइन ऐसी पढ़ी जाए लय से, एक ही पंक्ति के अर्थ ही जस का तस हो जाए। मैं सिर्फ आपसे कहूँ कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपसे कहूँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं कहूँ आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लय से अर्थ परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थ लय में होती है, अर्थ लय इसलिए संगीत में जिसमें सबसे ज़्यादा अर्थ होता है उसमें स्वर की लीला होती है, व्यंजन की लीला संगीत नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लेकिन प्रेम का गद्य ऐसा गद्य है कि जिसको आप कविता की ध्यानस्थता से पढ़ेंगे तब उसका रस पाएंगे। बड़ा जो गद्य होता है, जो सृजनात्मक गद्य होता है, उसकी शर्त होती है कि आप उसको उतने ध्यान से पढ़ें जितने ध्यान से आप कविता पढ़ते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या से क्या छूट जाएगा। और वो जो रचनात्मकता का, सृजनात्मकता का जो जादू होता है, वो इस आप गोदान के शुरू में, प्रारंभिक मंच में होरी वे पांचों पोशाक पहन करके अद्भुत नाट्य है। शुरू में जो संवाद होता है होरी और धनिया का संवाद, कि अब तो ससुराल में कोई साली भी नहीं बैठी है, पांचों पोशाक तो कहाँ से ले आई है, मर्द तो साठे पर पाठे होते हैं, सारा उल्लास एकदम से। होरी जैसे धनिया कहती है कि घी दूध तो मैसर नहीं होता, साठे की नौबत कहाँ से आएगी। अगर नाटक करेंगे गोदान के प्रारंभ अंश का, तो भयंकर साधनियाँ करनी पड़ेगी प्रकट करने में। वो उल्लास जो है होरी के चेहरे का एकदम से अवसाद में बदलता है। नाटक करना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप शुरू में देखते हैं और वो अंश देखिए आप, पगडंडी के दोनों ओर ऊह के पौधों की लहराती हुई हरियाली थी। उस हरियाली को देखकर उसके मन में आया, भगवान कहीं गौ से बरखा कर दें और डाणी भी मैं उस भाषा शब्द देखिए और डाणी भी सुभीते से रहे तो गाय जरूर लेगा। हरियाली आई उसकी आप देखते, हरियाली के बाद गाय आ गई। इस हरियाली से गाय का गहरा संबंध है। हरियाली ने एक उल्लास मन में पैदा किया और उस उल्लास के साथ गाय आ गई। गाय को प्रेमचंद ने कहा है कि सजीव संपत्ति है किसान के लिए। और आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद होरी, देसी गायें तो न दूध दें न उनके बछवे ही किसी काम के हों, जैसे ही बछवा आता है खट से गोबर आता है, गेट इट, आपने देखा। जैसे हरियाली आई गाय आ गई, और इसके बाद वो सोचता है कि गाय के बछवे काम में आते हैं, बछवे आते ही, गाय का बछवा आते ही उसका अपना बछड़ा गोबर याद आता है। ये कनेक्शन है, ये मन की लीला है। और आप देखते हैं कि जो प्रथम स्वप्न आता है होरी को, ये गाय का स्वप्न यहाँ आता है और गाय का स्वप्न अंत में भी आता है, मरण दृश्य में आता है। तो यहाँ जो है वो गोबर आता है और अंतिम मरण दृश्य में गोबर नहीं आता है, गोबर का पुत्र मंगल आता है। एक सिस्टम है। इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि प्रेमचंद को सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि गद्य का पाठ कैसे किया जाए और बड़ी रचना का सृजनात्मकता के गद्य को पढ़ा कैसे जाए।
और उसको उसी ध्यान से पढ़ा जाए जितने ध्यान से कविता पढ़ी जाती है, नहीं तो गया मामला। तो आप इसके बाद देखते हैं कि गई तो द्वार सवेरे से मिले। अब मैं इस गऊ के बारे में प्रेमचंद के बारे में बात और बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। ये जो डिटेल्स होते हैं, डिटेल्स छोटी छोटी बातें जो होती हैं, अगर डिटेल्स की महिमा जानना हो आपको तो आप सत्यजीत रे की फिल्में देखिए, और सत्यजीत रे का डिटेल्स पर एक लंबा लेख पढ़िए। ये डिटेल्स के डिटेल्स की महिमा क्या होती है उसका एक उदाहरण है। जब क्रिप्स मशन आया था, क्रिप्स मशन जब क्रिप्स मिशन की मीटिंग हो रही थी, आपने अगर गांधी पिक्चर देखी हो टेन गोरे वाली, तो उसमें सब बड़ी गंभीर विषय कर रहे हैं, भारतवर्ष की आज़ादी कैसे दी जाए, साधन क्या हो, पार्टीशन का क्या क्या हो, फलन लमा का, बड़ी गंभीर गंभीर बातें हो रही थी। गांधी एकदम सोचते हैं कह बकरी की टांग, और आप देखते हैं कुछ समय जवाहर नेहरू का बकरी की टांग, जवाहर नेहरू को कहते हुए दिखाया गया, यह बकरी की टांग, ये डिटेल फिल्म में, और मन का ये इतना डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी की जान है ये। और एक चीज मैं यहां आपसे लगे हाथों और कह दूं कि ये जो राजनैतिक जनतंत्र होता है, साहित्यिक जनतंत्र उससे अलग होता है, उससे भिन्न होता है। साहित्यिक जनतंत्र जितना उदार होता है, जितना व्यापक होता है, उतना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी उतनी नहीं होती। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में पक्ष और विपक्ष होते हैं, मेजॉरिटी होती है, माइनॉरिटी होती है। लिटरेरी डेमोक्रेसी में माइनॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होती। लिटरेरी डेमोक्रेसी में विलियन क्रिएट करना कितना मुश्किल है, ये शेक्सपियर को पढ़, वहाँ हीरो से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शेक्सपियर क्या विलियंस हैं। विलियन क्रिएट करना, किसी को खलनायक बना देना, ये मामूली चीज़ नहीं है। अगर पूरे समाज में एक भी आदमी की पीड़ा है, पेड़ की भी पीड़ा हो, पत्थर की भी पीड़ा अगर पीड़ा है, तो उस पीड़ा को व्यक्त करना और ज़्यादा मुश्किल है, और ज़्यादा सृजनात्मक है। ये लिटरेरी डेमोक्रेसी है, वहाँ कोई उपेक्षित नहीं है, वहाँ कोई तिरस्कृत नहीं है। मुश्किल काम है, इसलिए अच्छे सृजनात्मक मुश्किल होते हैं, राजनीति के बहुत होते हैं, सर्जक उतनी मात्रा में कम होते हैं। तो ये जो प्रेमचंद का डिटेल्स हैं, डिटेल्स की महिमा आप देखें। ये गोबर जो है, जब लखनऊ से कमा के लौट के आता है, तो जाहिर जब आता है तो झुनिया को, तो जब गया था तो वो अंतसत्वा थी। अंतसत्वा माने बनारसी बोली में जिसको आप प्रेग्नेंट कहते हैं, उसको हम लोग शराफत में अंतसत्वा कहते हैं, कि समझने वाले ही समझ पाए ज़्यादा लोग नहीं। तो बाद में वो बच्चा पैदा हो गया, मंगल पैदा हो गया, तो वो उस समय छोटा सा था, मंगल जो था शिशु था, अच्छा महीने का। तो गोबर उसके लिए आया था, तो वो टोपी ले आया, गोटे वाली चमकीली टोपी ले आया। तो जब दोनों की भेंट हुई, बड़ा अच्छा वर्णन किया है प्रेमचंद के कई लोग नीरस रचनाकार समझ, ऐसा रस है कि। तो दोनों की जब भेंट हुई तो ये काम किया कि अब वो झुरियाँ तो रूठी हुई थी, छोड़ के गया था ना, तो रूठी हुई थी, तो ये उसको मनाने के लिए है। लोग कहते हैं प्रेमचंद मनोविज्ञान नहीं है, प्रेमचंद मनोविज्ञान बघाड़ते नहीं हैं, अपने पात्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो वो जो गोबर है, वो टोपी जो है, वो उस बच्चे को शिशु पहनाने लगा। प्रेमचंद ने लिखा कि बच्चा
टोपी उतार के फेंक देता था। अगर आपने बच्चों को भी टोपी पहनाई हुई देखी हो, क्यों? क्योंकि बच्चा जो है वो टोपी को पहनने की नहीं, खेलने की चीज समझता था। बड़ा रचनाकार, जो पूरे देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कथाकार है, वो उस शिशु की साइकोलॉजी को समझने की फुर्सत है उसे। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। और इस ये जब आप ये डिटेल पढ़ते हैं तो खर्चे लगता है, यार ये लेखक को जानता है, ये लेखक को समझता है, और ये लेखक तो सबकी परवाह करता है। वो आत्मीयता आप देते हैं। अब केवल एक बात मुझे कहनी है और इसके बाद मैं खत्म करता हूँ। उपन्यास का नाम गोदान है और गोदान टिपिकल हिंदू कर्मकांड है, टिपिकल। गो प्रेमचंद ने, प्रेमचंद से दक्षिणपंथी वामपंथी दोनों शिकायत रखते हैं, दोनों स्वीकार करते हैं, दोनों बड़ा मानते हैं, लेकिन शिकायत दोनों को है। वामपंथियों को जितना वामपंथ होना चाहिए था उतना है नहीं, क्रांति नहीं करा दी सीधे, और दक्षिणपंथियों को तो काफी शिकायत है, कह दिया कि मैं बोल्शेविक वसूलों का आदमी हूं। लेकिन कहीं भी धार्मिकता पर बरकरार है, गऊ है तो गऊ है, धर्म है, पुण्य है, परमात्मा है। यहाँ तक कि जब गऊ पहले आती है तो खर से धनिया जा करके वो दूब मंगल मंगल टीका का करती है उसको। मरण के दृश्य में जब घोड़ी मरने लगता है और धनिया उसके कहती तुम्हारा जी क्या हो गया है, कैसे हो, तो घोड़ी कहता है और कब तक जलाएगी धनिया, मेरा कहा सुना माफ करना, मेरी चलती तो मैं गोदान का पाठ जैसे भागवत का किया जाता है वैसे कराता। उसकी वजह यह है कि मैं जिस पीढ़ी का हूँ उस पीढ़ी के मरते हुए माँ बाप अंतिम वाक्य यही बोलते होंगे जो होरी धनिया बोलते हैं, कि और मेरा कहा सुना माफ करना, कब तक जलाएगी धनिया। और अंतिम दृश्य गोदान होता है, रिचुअल है, धर्म कर्मकांड है। और मेरी ओर देखो, मैं क्या हूं, धनिया कहती है और होरी का जीवन संगनी से कहे अंतिम शब्द, मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूं, अब कब तक जिलाएगी। हमारी पीढ़ी के लोगों ने माँ बाप के इसके बाद वहां पंडित दाता दीन भी है ना, हाँ गोदान करा दो, अब यही संभव है। धनिया यंत्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा, यही इनका योगदान है, यही इनका गोदान है। गोदान के पूरे पैसे नहीं हैं, होरी मर रहा है काम करते करते, सुतली जो श्रम का पैसा कमाया था उसी के कुछ पैसे थे, वही यही गोदान है और कुछ नहीं है। गऊ है, गोदान है, धर्म है,
लेकिन इस पूरे दृश्य को पढ़ते हुए सामने देखते हुए ये नहीं लगता कि ये गोदान धनिया के मन में व्यर्थता नहीं है, दाता दीन के मन में व्यर्थता नहीं है कि गोदान व्यर्थ है, लेकिन जो पाठक पढ़ेगा वो कहेगा कि क्या गोदान है। ये कर्मकांड एक मनुष्य सीता ज्यादा मर रहा है, ईमानदार आदमी बिना पैसे के खेतों में काम करता करता, और यहाँ इनकी ये है कि 25 पैसा, 25 आना नहीं है 20 आना है, ये कितना मानव निरपेक्ष है। ये साहित्य का विद्रोह है, यह रचनात्मक विद्रोह है, इसीलिए इसके कांता सम्मित उपदेश कहा जाता है। इसीलिए यह जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यह ट्रांसफॉर्मेशन आप अपने मन से स्वयं करते हैं। बुद्ध और सॉक्रेटिस की तर्क संगति ये थी, आप विरोध ये लोग नहीं करते थे, आप जो बात कहते हैं उसी को फिर से कहते जब फिर से सोचो तो आप भी कहते नहीं हमारी बात गलत है। आपको स्थितियां इस ढंग से रखी जाती सामने कि खुद आपको क्या मानवीय है, क्या भविष्य है, संसार आगे संभावना क्या है, ये खुद आप अपने में वो रस है। यह रस रचनात्मक विरोध का नाम है, विद्रोह का नाम है। ऑनरेबल चीफ स्पीकर, डीन प्रोफेसर सरोज यादव, हेड प्रोफेसर संध्या सिंह, माय कॉलीग्स आर प्रेजेंट हियर। I'm very happy that Department of Language is organizing this event. This is a great opportunity, great initiative for all of us. We are going beyond our routine work to promote literature, to create awareness among our faculty so that we can do something more for the society, because we have great responsibility. We are responsible for school education, teacher education, and we are doing a lot of work, and also we should try to understand the contribution of the great personalities. And I think Premchand is known as the Upanyas Samrat, because through novel he wanted some social change, and his contribution in the field of, that means particularly on farmer and on the love for the animals and particularly for the society, it is something, humanity is something of great importance. He has written many novel and he has contributed a lot to the society, and now this is high time, and after a long gap, I think this is the first time we are organizing this here in this department in NCERT. This is a great opportunity and we should continue with this, and I'm really grateful to you all for your active listening, because you are listening and you are participating. This is a great opportunity. We should motivate others to undertake such work, and we should learn from others what is their contribution, how they have contributed to bring about change in the society, because without that it is not possible, because if we go through the literature then only we can learn many things. So I congratulate all of you and I wish you all the best, and I thank the department for taking this initiative. Thank you. थैंक यू सर, आपने हमेशा ही हमारी हौसला अफजाई की है। अभी जो बात सर कर रहे थे, खासतौर से रचना त्रिपाठी जी, जिस स्थानीयता से अंतर्राष्ट्रीयता की बात कर रहे थे, ये अपने आप में आज हमारे एनसीईआरटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में खास तौर से स्थानीयता पर बहुत बल दिया गया है, और इन दिनों जो भी हमारे पाठ्यक्रम तैयार हुए हैं, जो भी किताबें तैयार की गई हैं, ये चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे वो लैंग्वेजेस की किताबें हों, उन सब में ये स्थानीयता बहुत
बहुत अच्छे से उस पर सामग्री तैयार की गई है और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रेमचंद के संदर्भ में जो हम लोग सुन रहे थे। डीन एकेडमी प्रोफेसर सरोज यादव मैडम हमारे साथ बैठी हुई हैं और हम चाहते हैं कि वो भी हम दो शब्द प्रेमचंद पर। माननीय त्रिपाठी साहब, डायरेक्टर एनसीईआरटी प्रोफेसर रुकेश सेनापति जी, प्रोफेसर संध्या सिंह, सभी कुलीग्स एनसीईआरटी से और बच्चे भी आए हुए हैं, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म दिवस मना रहे हैं। उसके नावल सर हमने भी जो उनके उपन्यास थे पढ़े, कभी कभी लगता है कि वो लोग किसानों के गरीबों के बारे में ज़्यादा लिखते थे, लेकिन जब आज हम उनको दोबारा से पढ़ते हैं तो लगता है हम उनके करेक्टर के साथ साथ चल रहे हैं। जीवन के बहुत से उन्होंने उदाहरण जो अपने उपन्यासों में दिए वो आज के संदर्भ में भी उतने ही औचित्य रखते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि वो आम भाषा में लिखते थे, ना उर्दू थी ना हिंदी थी, इसलिए वो आम व्यक्ति की जनमानस की भाषा थी और इसलिए वो पढ़ते समय बच्चे उसका आनंद भी उठाते थे, क्योंकि जब भाषा कठिन हो तो भी अच्छा नहीं लगता और भाषा बहुत अधिक सरल हो तब भी अच्छा नहीं लगता, तो उसमें रस जरूर होना चाहिए, तो वो रस उसमें था। और जो पात्र लिखते थे, एक उपन्यास था, शायद मैं उसका नाम याद नहीं है, पर मुझे याद है कि उसमें एक बड़ी बहू का कैरेक्टर दिखाया गया था और उसमें दिखाया गया था तो किस तरीके से, किस बैकग्राउंड से महिला आती है वो बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि जब शादी ब्याह करते हैं तो उसमें अभी भी लोग सोचते हैं कि भाई इसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा है, किस तरीके के परिवार से आती है, परिवार के संस्कार कैसे हैं, तो ये सब मायने रखता है। और उसमें बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है कि वो कभी कभी नाराज़ होती है पर अल्टीमेटली आखिर में उसकी जो पीछे की संस्कृति है, परिवार की जो पृष्ठभूमि है, वो काफ़ी महत्व रखती है और परिवार को फिर भी वो जोड़ करके रखती है, बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, तो वो उपन्यास मुझे आज भी याद है और मैं परिवारों में भी देखती हूँ कि किस परिवार से महिलाएं आ रही हैं और किस परिवार से पुरुष आ रहे हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ता है परिवार को आगे बढ़ाने में। तो उनके जितने भी उपन्यास हैं आज के संदर्भ में भी उनका उतना ही महत्व है। और आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि उन्होंने सीमित एरिया से रहे, लेकिन सीमित एरिया के रहने के बावजूद भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी माने जाते हैं। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संध्या जी का कि समय समय पर इस तरह की गोष्ठियाँ करती रहती हैं और साहित्य को और जीवंत करने का पूरा प्रयास करती रहती है। तो आपका बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अभी इस कार्यक्रम के बाद अभी हम लोग एक नाट्य रूपांतरण उनकी कहानियों का भी करने जा रहे हैं। इसके पहले हम निदेशक महोदय से अनुरोध करेंगे कि हमारे गुरु डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी को एक छोटा सा टोकन, जो यहाँ CIT ने में ही तैयार की गई है, कुछ उनकी जो साहित्यकारों के पर फिल्में बनी हैं और एक NCERT ने बहुत से कार्यक्रम प्रेमचंद पे भी किए हैं, बहुत से उनकी कहानियों की रिकॉर्डिंग भी हुई हैं, उनमें हम सर को कुछ देना चाह रहे थे। तो जो प्रेमचंद की कहानियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हुई हैं और कुछ साहित्यकारों पर फिल्में बनी हैं, उनको हम आपको देना चाह रहे थे। ये हमारे दो कहानियाँ हैं, चोरी चोरी के बाद बड़े भाई साहब, सो लीजिए आप सबके सामने प्रस्तुत है नाटक चोरी एंड बड़े भाई साहब। चोरी,
अम्मा कहती घर भर खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते खबरदार जो अंदर आए, पापा कहते खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वो डांट बताए, जो चाहे वो डांट बताए। अगर कल मक्के में हाजिरी नहीं लगाए तो एक एक घर आके एक एक का फीका काटूंगा, खट खट खचा। अब तू पुआल का बिछोना, वो नंगे बदन नंगे पांव खेतों में दौड़ना, आम के पेड़ों पर चढ़ना, सारी बातें आंखों के सामने घूम रही हैं। चमरौंधे जूते पहनकर उस वक्त जितनी खुशी होती थी आज फ्लेक्स के बूटों में भी नहीं होती। गरम पनवे रस में जो मजा था वो पेप्सी और कोका कोला में कहाँ, कच्चे बेरों में और चबेनों में जो रस था वो रियल जूस मैगी और पास्ता में कहाँ। छोटे हल्दर, मैं अपने चचेरे भाई हल्दर के साथ पासी के गांव में एक मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाया करता था। मेरी उम्र 8 साल थी और हल्दर मुझसे 2 साल बड़े थे। हम दोनों प्रातःकाल बासी रोटी खा दोपहर के लिए मटर और जो का चबेना लेकर चल देते थे और फिर तो सारा दिन अपना था। ये मौलवी साहब के यहाँ कोई हाजिरी का रजिस्टर तो था नहीं और ना ही क्या हाजिरी का जुर्माना देना पड़ता था, तो डर किस बात का। कभी तो थाने के सामने खड़े सिपाहियों की कवायद देखते, अटेंशन जवान भाई मुड़ेगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट
क्यों निकल जाते और गाड़ियों की बाहर देखते गाड़ियों की समय का जितना ज्ञान हमको था उतना टाइम टेबल को भी ना था। रास्ते में शहर के एक महाजन एक बाग लगवाना शुरू किया था, वहां एक कुआं खुद रहा था। वो कुआं भी हमारे लिए एक दिलचस्प तमाचा था। बूढ़ा माली हमें अपनी झोपड़ी में बड़े प्रेम से बिठाता था और हम लड़ झगड़ कर उससे उसका काम कर दिया करते थे। भैया मैं करूंगा। बड़ा कौन छोटा कौन? मैं करूंगा। कहीं बाल्टी लिए पौधों को सींच रहे और कहीं खुरपी लिए क्यारे को गोड़ रहे हैं, कहीं कैंची से बेलों की पत्तियां छान रहे। खचा खचा। उन कामों में कितना आनंद था। माली बाल प्रकृति का पंडित था, हमसे काम लेता पर इस तरह मानो हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है। और जितना काम वो दिन भर में करता हम घंटे दो घंटे में निपटा देते थे। भैया छोटे भैया। अब वो माली नहीं रहा लेकिन बाग हरा भरा है। जब भी उन पेड़ों के पास से होकर गुजरता हूं तो जी चाहता उन पेड़ों के गले लगकर रहूं और कहूं, प्यारे तुम मुझे भूल गए लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला। मेरे हृदय में तुम्हारी याद अब तक हरी है, उतनी ही हरी जितने तुम्हारे पत्ते। निस्वार्थ प्रेम के तुम जीते जाते स्वरूप हो। अलेफ अलेफ बे ते पे से हमारी सांस उखड़ने लगती है, हमें दमे का दौरा पड़ने लगता है। तुम्हें इतना भी ख्याल है कि नहीं मौलवी साहब मरीज है? खैर बताओ कहाँ थे तुम लोग? वो मौलवी साहब हो ना? हाँ बताओ कहाँ थे? चोट मौलवी साहब चोट लगी थी। चोट लगी है या कहीं से मुंह तोड़वा के आ गया? जरूर कोई गुस्ताखी करी होगी तुमने। खैर बैठो सबक याद करो। हल्डर जी तुमको एक काम दिया था। कौन सा? मौलवी साहब कलुआ के चाचा के मामा के फूफा के अम्मे के बहनोई के लड़के के टाऊ का मम्मा के नाना का पोता। मौलवी साहब वालिद का पोता है, सब याद रहता है। देखो इतना जहीन है, ये है बचपन में दाढ़ी आने का कमाल, मगर कम बहाल। मौलवी साहब किताबी चीजें जो है याद होती नहीं और तुम्हारी याददाश्त तो कटाई कमजोर हो गई है। तुम मौलवी साहब का एक छोटा सा कट्ठा भूल गए। कौन सा मौलवी साहब? वही कट्ठा भूल गया मौलवी साहब। जाओ और फौरन उसे बुला कर लाओ। अभी गए कहा चल गया खाला के निकाह में। हल्डर हल्डर तुम जाओ उसे बुला के लाओ जी। बाकी मेरे साथ आओ। और तुम ही को कह रहे हैं बैठो और सबक याद करो। बाकी मेरे साथ चलो, आज तुम्हें पतंगे पकड़ने की तालीम दी जाएगी। चलो अंदर चलो। चलो चोर उतनी कल्पना शक्ति आज होती तो ऐसा उपन्यास लिख मारता के लोग चकित रह जाते। लेकिन अब तो ये हाल है कि बहुत सर खपाने के बाद ही कोई कहानी सूझती है। खैर हमारे मौलवी साहब दर्दी थे, मौलवी गिरी केवल शौक से करते थे। हम दोनों भाई अपने गांव के कुर्मी कुमारों से उनकी खूब लड़ाई करते थे। अजय यूं कहिए मौलवी साहब के सफरी एजेंट थे। हमारे उद्योग से जब मौलवी साहब को कुछ काम मिल जाता तो हम फूले ना समाते। जिस दिन कोई अच्छा बहाना ना सूझता हम मौलवी साहब के लिए कोई ना कोई सुबात ले जाते। कभी आज से रात गोलियां ले ली। मौलवी साहब घपक कौन है? गुसल खाने में भी चैन से बैठने नहीं देते। मौलवी साहब कभी दस पंचूक, कभी गुड़ के बड़े बड़े डेले, कभी अमरूद, कभी गेहूं की हरी हरी बालियां, कभी किशमिश और कभी जवाहर, कभी सेब और कभी बाजरा, कभी चमचम और कभी मिश्री के दाने। उन सब बातों को देखते ही मौलवी साहब का क्रोध शांत हो जाता और जब इन चीजों की फसल ना होती तो हम सजा से बचने के लिए कोई और उपाय सोचते। मौलवी साहब
मौलवी साहब को चिड़ियों का बड़ा शौक था। मौलवी साहब मैं पकड़ लूंगा, मौलवी साहब 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 मकतब में श्यामा बुलबुल भैयल और चंडूलों के पिंजरे लटके रहते थे। हमें सबक याद हो या ना हो पर चिड़ियों को सबक याद हो जाते थे। हमारे साथ वो पढ़ा करती थी। इन चिड़ियों के लिए बेसन पीसने में हम लोग खूब उत्साह दिखाते थे। छोटे छोटे मौलवी साहब बेसन छोटे। मौलवी साहब ने लड़कों को पतंगे पकड़ने की ताकीद दे रखी थी। इन चिड़ियों को पतंगों में विशेष रुचि थी और कभी कभी हमारी बला इन पतंगों के सरी चली जाती थी। उनका बलिदान कर हम मौलवी साहब के रौद्र रूप को पसंद कर लिया करते थे। मौलवी साहब मौलवी साहब मौलवी साहब। एक दिन सवेरे सवेरे हम दोनों भाई तालाब में मुंह धोने गए। ये रुपया तुम्हें कहां से मिला? अम्मा ने ताक पर रखा था, चार पाई खड़ी करके निकाल लाया। घर में कोई संदूक या अलमारी तो थी नहीं। रुपए पैसे दूसरे ताक पर रख दिए जाते थे। एक दिन पहले चाचा जी ने सन बेचा था, उसी के रुपए जमींदार को देने के लिए रखे हुए थे। जब घर के सभी लोग काम धंधे में लग गए तो अपनी चार पाई खड़ी की, उस पर चढ़कर एक रुपया निकाल लाया। उस वक्त तक हमने रुपया छुआ तक ना था। वो रुपया देखकर आनंद और भय की जो तरंगे दिल में उठी थी वो अब तक याद है। वो रुपया हमारे लिए एक अलभ्य वस्तु थी। मौलवी साहब को हमारे यहाँ से सिर्फ 12 आने मिला करते थे। महीने के अंत में पिताजी खुद जाकर पैसे दे आते थे। भला कौन हमारे गर्व का अनुमान कर सकता था, लेकिन मार का भय आनंद में विघ्न डाल रहा था। रुपया निकलने तो है नहीं, चोरी का खुल जाना मान्य हुई बात थी। और चाचा जी की मार का भी मुझे तो नहीं पर हल्दर को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो चुका था। यूं तो चाचा जी से सीधा साधा आदमी पूरी दुनिया में ना था। अगर चाचा जी ने हल्दर की रक्षा का भार सर अगर चाचा जी ने हल्दर की रक्षा का भार सर पे ना उठाया होता तो कोई बनिया इन्हें बाजार में बेच सकता था। लेकिन जब चाचा जी को क्रोध आ जाता तो उन्हें कुछ ना सूझता, और तो और चची भी उनके क्रोध का सामना करने से डरती थी। खैर हमने कई मिनटों तक इस विषय पे विचार किया और आखिर में निश्चय हुआ कि आई हुई लक्ष्मी को ना जाने देना चाहिए। एक तो हमारे ऊपर संदेह होगा ही, अगर हुआ भी तो हम साफ इनकार कर देंगे, कहेंगे हम रुपए लेकर क्या करते। कुछ देर और विचार करते तो ये निश्चय पलट जाता और वो विभत्स लीला ना होती जो आगे चलकर हुई। पर उस समय शांति से विचार करने की क्षमता हम दोनों में ना थी। मुंह हाथ धोकर हम दोनों घर आए और डरते डरते अंदर कदम रखा। चुप, अगर कहीं इस वक्त तलाशी की नौबत आई तो फिर भगवान ही मालिक है। लेकिन सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, हमसे किसी ने कुछ ना बोला, ना हमने नाश्ता किया ना चबेना लिया। चुपचाप किताब बगल में दबाई और मदरसे का रास्ता लिया। बरसात के दिन थे, आकाश पर बादल छाए हुए थे, हम दोनों खुशी खुशी मकतब की ओर चले जा रहे थे। आज काउंसिल की मिनिस्ट्री पाकर भी शायद उतना आनंद ना होता। हजारों मंसूबे बांधते, हजारों हवाई किले बनाते थे। ये अवसर बड़े भाग्य से मिला था, जीवन में शायद ही फिर कोई ऐसा अवसर मिले। इसलिए रुपया ऐसा खर्च करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक चल सके। यद्यपि उन दिनों 5 जने शहर बहुत अच्छी मिठाई मिलती थी और शायद आधा शहर मिठाई में हम दोनों फंस जाते थे, लेकिन यह ख्याल हुआ कि मिठाई खाएंगे तो रुपया आज ही गायब हो जाएगा। कोई सस्ती चीज खानी चाहिए जिसमें मजा भी आए, पेट भी भरे और पैसा भी कम खर्च हो। अमरूद अमरूद मेरे अमरूद अमरूद। आखिर अमरूदों पे हमारी नजर पड़ी। 2 पैसे के अमरूद लिए, सस्ता समय था, बड़े बड़े 12 अमरूद मिले। हम दोनों के कुर्ते के दामन उसमें भर गए। जब हजर ने खटीक के हाथ में रुपया रखा तो उसने बड़े संदेह की निगाह से देखा और पूछा, ये रुपया तुम्हें कहां से मिला? नहीं, चोरी तो नहीं की? जवाब हमारे पास तैयार था, ज्यादा नहीं तो 4 किताबें पढ़ी चुके थे और विद्या का कुछ कुछ असर हो चुका था। मौलवी साहब के पैसे देने थे, घर में पैसे नहीं तो 4 रुपया दे दिया। बाकी के पैसे तो लेते जाओ। बाकी के पैसे हम दोनों ने पुलिया पर बैठकर खूब अमरूद खाए, मगर अब 15.5 ने पैसे कहां ले जाए। 1 रुपया छिपा लेना इतना मुश्किल काम ना था, पैसे का ढेर कहां छिपाता। ना कमर में इतनी जगह है, ना जेब में इतनी गुंजाइश है। उन्हें अपने पास रखना चोरी का ढिंडोरा पीटना था। वो सोचने के बाद यह निश्चय किया कि 12 आने तो मौलवी साहब को दे दी जाए और 3.5 आने की मिठाई उड़े।
और ये फैसला करके मकतब की ओर चल पड़े। एक घंटे से ज्यादा गुजर गया पर हल्दर का अभी तक कुछ पता ही ना था। क्या मौलवी साहब ने अभी तक छुट्टी नहीं दी या फिर रास्ता भूल गए? आंखें फाड़ फाड़ के सड़क की ओर देखता था।
अकेले मेला देखने में भी जीना लगता था। ये संशय भी हो रहा था कहीं चोरी तो नहीं पकड़ी गई और कहीं चचा जी हल्दर को पकड़ के। जब शाम हो गई तो मैंने कुछ रेवड़ियां खाई और हल्दर के हिस्से के पैसे जेब में रखे घर की ओर चल पड़ा। दिन का लादा रास्ते में याद आया कि क्यों ना मकतब होता चलूं, शायद हल्दर अभी वहीं हो। अंदर बच्चा घर जाओ तो कैसी मार पड़ती है। तुम्हारे चचा आए थे और मियां हल्दर को घसीटते हुए ले गए। अजी ऐसा तान के मुक्का मारा कि मियां हल्दर मुंह के बल जमीन पे ढेर हो गए और बारे आने भी ले गए, पेशगी दिए थे वो भी ले गए। अब ऐसा करो कोई अच्छा सा बहाना सूझ लो, नहीं तो बेभाव की पड़ेगी। हाँ फिर करना ढिंकलाला। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। पैर मन मन भर के हो गए, घर की ओर एक एक कदम चलना मुश्किल हो गया। देवी देवताओं के जितने नाम याद थे सभी की मानता मानी, किसी को लड्डू किसी को पेड़े किसी को बताशे। गांव के पास पहुंचा तो भाव के ढी का सुमिरन किया। अपने हल्के में ढी की इच्छा सर प्रधान होती है, ये सब कुछ किया लेकिन जो जो घर निकट आता रहता धड़कने बढ़ती जाती थी, घटाएं मढ़ाती थी। देखता था सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर भागे चले जा रहे थे, गोरू भी पूंछ उठाए उछलते कुत्ते भागे चले जा रहे थे, पंछी भी उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे और मैं उसी मन गति से चला जा रहा था मानो पैरों में शक्ति ना हो। जी चाहता कि जोर से बुखार आ जाए या कहीं चोट लग जाए लेकिन जैसे कहने से धोबी गधे पे नहीं बैठता और मांगने से मौत नहीं आती, बीमारी का तो कहना ही क्या, कुछ ना हुआ। और धीरे धीरे चलने में भी घर सामने आ ही गया। अब क्या हो, हमारे घर के द्वार पे मिल गया एक घना वृक्ष था, मैं उसी के आड़ में छुप गया कि जरा सा अंधेरा हो जाए तो चुपके से अम्मा के कमरे की चारपाई के नीचे जाके छुप जाऊंगा। जब सब लोग सो जाएंगे तो अम्मा से सारी कथा सुना दूंगा, अम्मा कभी नहीं मारती, रात बीत जाने फिर कौन पूछेगा और सुबह तक सब कुछ शांत। अगर ये मनसूबे पूरे हो जाते तो उसमें कोई शक नहीं कि मैं बेदाग बन जाता, लेकिन वहां तो विधाता को कुछ और ही मंजूर था। दारू। भाई साहब। बोलो भाई साहब। मैं मार दूंगा उसको। मार देना भाई साहब, चोरी करने लगा है वो, बच्चा है सुधर जाएगा। बैग बना। बैरोठे में पिताजी बैठे थे, पिताजी का स्वास्थ्य इन दिनों कुछ ठीक नहीं था तो छुट्टी लेकर घर आए हुए थे। अब ये तो नहीं कह सकता कि उन्हें शिकायत क्या थी। तुम लोग यहाँ बैठे हो, मैं वहां ढूंढ रहा हूँ तुम यहाँ बैठो। मूंग की दाल तो भूल ही गए। बैठ। पर वो मूंग की दाल खाते थे और संध्या समय कांच गिलास में बोतल से कुछ उड़ेल उड़ेल कर पीते थे, शायद ये किसी तजुर्बेकार हकीम की बताई हुई दवा थी। दवा सभी फसाने वाली और कड़वी होती है, ये दवा भी बुरी ही थी। पर न जाने पिताजी से मजे ले लेकर पीते थे, हम जो दवा पीते हैं तो आंख बंद करके एक सांस में घटक जाते हैं, लेकिन शायद इस दवा का असर धीरे धीरे पीने में होता था। पिताजी के पास गांव के दो तीन और कभी कभी चार पांच और मरीज आकर बैठ जाते थे और घंटों तक दवा पीते रहते थे। मुश्किल से खाना खाने के लिए उठते थे। इस समय भी मरीजों की मंडली जमा ही थी। जब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया तो पिताजी ने लाल लाल आंखें करके पूछा, कहां था तब? पिताजी मकतब जावा था। चोरी करने लगा है तू? आज चोरी करेगा कल दारू पिएगा, कल दारू पिएगा पर तो टांगा डालेगा। किधर गया? पिताजी यहाँ। बता, रुपया तूने चुराया कि नहीं? नहीं पिताजी। बता। देखा भाई साहब, ये आजकल के लड़के जरा सा हाथ उठाया नहीं कि
अरे भाई साहब ये क्या यहाँ पे शुरू हो गए। चलिए धारो एक गिलास उठा। मैंने जो देखा मेरी हिकमत काम कर गई। बच्चे ऐसे मौके पर मचल जाते हैं और व्यर्थ में मार खाते हैं। मैंने बुद्धिमानी से काम लिया और घर के अंदर प्रवेश किया। शिवा कहाँ गया तू? तू इधर आ, चोरी करेगा। अम्मा मेरी चोरी करेगा, चोरी करेगा तेरे को तो मैं बता दूँ, नाक कटा दी, चोर बनी क्या करने लगा? क्या हुआ? क्यों मार रही हो बच्चे को? अरे जीजी चोरी की है इसने, चोर बनेगा ये। लेकिन अंदर का दृश्य तो और भी भयंकर था। लो जी ये भी आ गए, अब तो बता दे चोरी इसने की थी कि तूने? अम्मा हजर ने चुराया था। अगर उसने चुराया था तो तूने घर में आकर किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? अम्मा अंदर कहते थे किसी को बताया तो मार डालूंगा। जी, मैंने कहती थी मेरा लल्ला तो पैसे को छूता तक नहीं है, पर लोग तो मुझे को दोष मनने लगे। मैंने कब कहा था कि बताओगे तो मारूंगा। पुलिया पर, पुलिया पर बैठे थे जब अमरूद खा रहे थे तब। अम्मा मेरे को झूठ बोल रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की। अम्मा झूठ नहीं सच है, झूठा तो तू ही है और तो सारा संसार सच्चा है। तेरा नाम जो निकल गया है, तेरा बाप जिंदा होता, चार पैसे कमा के लाता तो आज तू ही सच्चा होता, पर तो तू ही झूठा है। जिसके भाग में मिठाई लिखी थी उसने खाई मिठाई, और तेरे भाग में तो लाख खाना लिखा है। चल निकल ऐसे। और ये कहते हुए चची हल्दर को कूटते हुए भीतर ले गई। मेरे विषय में स्नेहपूर्ण आलोचना करके अम्मा ने पासा ही पलट दिया, वरना न जाने अभी तक बेचारे को कितनी मार पड़ने वाली थी। अम्मा मैंने अपनी माता जी के पास बैठकर निर्दोषता का खूब राग अलापा। मेरी सरल हृदय माता मुझे सत्य का अवतार समझने लगी। उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि सारा कसूर हल्दर का है। अम्मा बेटा कुछ समय बाद में चने खाते हुए अपने कमरे से बाहर निकला। और हल्दर भी उसी समय अपने कमरे से बाहर आए। हम दोनों एक साथ भाग रहे और एक दूसरे को फिर अपनी कथा सुनाने लगे। मेरी कथा सुख में थी और हल्दर की दुख में, लेकिन अंत दोनों का एक ही था, गुड़ और चबेना। अरे नहीं तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, मैं जाने 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 जाने
चलिए लाल वाली काट, लाल वाली काट, चल 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 अरे काट यार, क्या कर रहा है यार, अरे चल 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 लाल वाली काट, लाल वाली, लाल वाली काट, लाल वाली, लाल वाली, लाल वाली, लाल वाली। अबे इसको ढील दे, बिना ढील के लेकर आ, ढील दे मैं, ढील दे दा 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 दा, उसको पीली क्यों काट, तू नीचे लेके चल उसको, इसको ऊपर कर, ऊपर करके फिर ले जा, दा दा दा। हां आदि, हां मैं मुनिया से मिलके आता हूं, मुनिया से सलाम बोलियो मुनिया को मेरा, चल चल हट, डरपोक कर, चल 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 चल, अभी ये काटना, काटना काट भाई, मेरे पेट में बुखार हो गया, उसे कब्ज कहता है, चल 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 चल, डर को कहीं का, चल 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 चल, यार दस हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है यहाँ से, आदि हाँ यार, मेरा ट्यूशन का नाम बता, चौथी फिर ट्यूशन करेगा, डर को कहीं का, चल 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 चल, अब ना आई हवा, हाँ चल चल, ठीक 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 ना, ठीक ना, मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे, इस भावना की दुनिया खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर एक आलीशान महल बन सके, 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे, बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने, मैं छोटा था वे बड़े थे, उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता बस इसी में थी कि इनके हुक्म को कानून समझूं, वे स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हर वक्त किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे, कभी कभी एक ही नाम वाक्य शब्द 10-20 बार लिख डालते, कभी कभी एक शेर को कई बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, तो कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते ना जिसमें कोई अर्थ होता और ना ही कोई सामंजस्य, मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल मीना भाइयों भाइयों, दरअसल दरअसल भाई भाई, राधेश्याम श्री युक्त राधेश्याम, 1 घंटे तक, उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं मगर असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस भी ना हुआ, वे 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में, उनकी शब्द रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी, एप्पल बी फॉर ओहो, मेरा दिल पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा किताब लेकर बैठना पहाड़ सा लगता था, मौका पाते ही मैं हॉस्टल से मैदान चला जाता, कभी कंकड़ियां उछालता ये, तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता ये, यस, और अगर कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना है क्या, ये 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 चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर से नीचे कूदते, अरे नहीं, अरे गिर जाएगा, पहले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, सुन लेंगे, पक्का पक्का, चल अकड़ पकड़ के मैं पहुंच सीने पे पुरुष से 100 मीटर टाका चोरी करके भाग, यस और मैं जी चार दीवारी पर चढ़कर ऊपर से नीचे कूद,
चलाने के डराना शुरू, बीच में जाऊंगा तो थोड़ा सा डराना। ठीक है चल। नीचे देख, नीचे देख। आदि 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 क्या आदि? ध्यान से, ध्यान से। अब तू आ ध्यान से। हाँ बड़े भैया आप चलिए। अरे आदा आदि गिरूंगा तो नहीं? अरे नहीं गिरेगा आदा। चल आदि में आ गया। मैं तुझसे सच आता हूँ। अब तेरी बारी, तेरी बारी। मुझे पता था ये बुझ दिन है। ये कहाँ है ये? झूला झूलते तो कभी मोटर गाड़ी पर सवार होकर गाड़ी को पीछे से आगे धकेलते। ये ए चाबी, चाबी तो ले ले, चाबी मेरी चाबी तेरे पास, इसके बाद ये भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ गए? हमेशा वही सवाल हमेशा इसी धोने में पूछा जाता था और इसका जवाब सिर्फ मेरे पास मौत था। पता नहीं इतनी सी बात क्यों मेरी जुबान से निकल पाती थी कि जरा सा बाहर खेलने गया था। और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई लाभ न था, स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। खेल कूद की बात बिल्कुल उड़ जाती।
और आपका कहाँ रुकना, 6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता का पहले बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन, फिर स्कूल, 3:30 स्कूल से वापस आना, फिर आधा घंटा विश्राम करना, फिर 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा वही हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक बीबी सुता, फिर विश्राम विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। अगले दिन से ही उसका हवा शुरू हो जाती है, मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के बताओ कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की तेज वा स्फूर्ति, ये यस यस। मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहां खींच ले जाते और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता, वो जान लेवा टाइम टेबल, वो वहां के फोन पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई लाभ न था, इसने और रोश मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। छोटे 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 यस यस। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं तमाम फटकार और घुड़कियां खा कर भी खेल कूद तक तिरस्कार नहीं कर सकता। सालाना इम्तहान हुआ, इम्तहान भाई साहब नतीजा आदि 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 और आगे आदि 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 शानू 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 सालू 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 सालू। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और दर्जन में अव्वल आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ 2 साल का अंतर और रह गया। जी में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं, कहा गई वो आपकी घोटे पसिया, मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वे इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई, उनके घाव पर नमक छिड़कने जैसा विचार ही मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, आत्मसम्मान भी बढ़ा, दिल मजबूत था, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। अगर भाई साहब फिर मेरी फजीहत करेंगे तो मैं साफ कह दूंगा आपने अपने खून जलाकर कौन सा टीम मार दिया। मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं, ऐसा सिर्फ मैंने सोचा। दबाव से हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का गौरव उत्पन्न आ रहा, लेकिन भाई साहब ने सहसा इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे और कंचे की फेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो मानो भाई साहब ने मुझ पर तलवार खींच ली और मुझ पर टूट फोड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़ो बड़ो कन्हैरा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है,
लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है वो। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर दिया करते, बड़े से बड़े देवता उसकी गुलामी करते, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? अहंकार ने उसका नाम निशान मिटा दिया। आदमी जो कुकर्म चाहे करे लेकिन अभिमान ना करे, इतना ही नहीं अहंकार या अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाथ तो तुमने पढ़ा ही होगा, उसे एक बार ये अनुमान हुआ था कि संसार में ईश्वर का उसके अलावा दूसरा कोई भक्त है ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था और भीख मांग मांग कर मर गया। और अभी तो केवल तुमने एक निचला दर्जा ही पास किया, अभी से दिमाग फिर गया तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये सफलता केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। गिल्ली डंडे में भी कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, पर उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बनता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पे मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। आठ आठ हेनरी हो गुजरे हैं। अब कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद रख लेना आसान समझते हो? हेनरी सातवें की जगह हेनरी आठवां लिखता और सारे नंबर गए। सफा चट शिफर भी ना मिलेगा, शिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, अंधेरा रोग हो जाता है। इन भागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते हैं तो 10 लाख नाम बता देता और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पता। आ बा जा की जगह आ जा बा लिखा और सारे नंबर गायब। कोई इन निर्दय मुतमहिनों से नहीं पूछता कि आखिर आ जा बा और आ बा जा में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? अब दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई इसमें रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या, ये तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसर पैर की बातों को याद करने से क्या फायदा? इस रेखा पर वो लंब गिरा दो, आधार लंब से दोगुना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए। याद ही रहे मेरी बना से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात आपको याद ही करनी पड़ेगी। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम को हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का स्पेस नहीं होने लगता है। लेकिन इस जरा सी बात को 4 पन्नों में कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो उसे हिमाकत कहता हूं। ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम तो चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखे, और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। ये इन छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? और अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर एक निबंध संक्षेप में लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए ठीक, नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़ी है और धीरे धीरे भी। उल्टी बात है नहीं, बालक भी इतनी बात समझते हैं। लेकिन इन परीक्षकों को इतनी भी तमीज नहीं, और ऊपर से दावा है कि अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे धारा कुल के सारे पापड़ तुम्हें बेलने पड़ेंगे और तब तुम्हें आटे और दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पाँव नहीं रहते, इसलिए मेरा कहना मानो लाख फेल हो गया हूँ। लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, इस संसार का मुझे तुमसे कई ज्यादा ज्ञान है, इसलिए जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए नहीं तो फंसाइएगा। चलो भूल जाने का समय हो चला था, ना ही ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। मुझे भी मुझे निस्वार्थ लग रहा था, जब पास होने पे ये गिरफ्तार हो रहा है तो फेल जाकर साथ प्राणी ले लिया जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का तो भयंकर चित्र मेरे सामने खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताजुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मेरी पुस्तकों में रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। हाँ, खेल कूद का कोई मौका हाथ से न जाने देता है, पढ़ता था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का काम पूरा हो जाए, बस दर्जे पर जल्दी ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो धीरे धीरे लुप्त होता गया, फिर चोरों का से जीवन काटने लगा। भाई साहब नतीजा
आदि 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 शानू 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 भाई साहब फिर से फेल हो गए और मैं फिर से पास हो गया और दर्जन में अव्वल आया, लेकिन मुझे खुद अचरज हुआ। मैंने ज्यादा मेहनत नहीं की और न जाने कैसे दर्जन में अव्वल आ गया। भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे घोर तक उधर, स्कूल जाने से पहले तक मुद्रा कांतिहीन हो गई, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर बहुत दया आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो खुशी आदि हो गई। शायद मैं भी फेल हो जाता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। खैर विधि की बात कौन डाल, अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ एक साल का अंतर और रहेगा। मेरे मन में धारणा उत्पन्न हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत करेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला। आखिर वो मेरे हित के विचार से तो मुझे डांटते हैं। आज मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, मगर शायद उनके डांट और उपदेशों का ही नतीजा है कि मैं धरा धन पास होता जाता हूँ और अभी इतने अच्छे नंबरों से। छोटे 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 क्या है? कुछ नहीं। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका पाकर भी उन्होंने धीरे से काम दिया। शायद वो खुद समझने लग गए थे कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार ना रहा। और आप भी तो बहुत कम, मेरी स्वच्छता भी बढ़ी। मैं उनके सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मेरे मन में धारणा उत्पन्न हुई कि मैं पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था अब वो भी बंद हुआ। आदि आजा पतंग उठा। आजा आजा भाई साहब। भाई साहब मुझे कनकौवा उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। मैं भाई साहब का अदब करता था, मगर उनकी नजरें बचाके ही कनकौवा उड़ाता था। अब मांझा बांधना, करने काटना, पतंग टूर्नामेंट समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को बिल्कुल संदेह नहीं होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। और एक दिन संध्या के समय मैं हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आके आसमान की ओर और मन उस आकाशगामी पथे की ओर मंद गति से बहता चला जा रहा है। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही। ओ पकड़ो 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 पकड़ो। बालकों का कुछ झुंड लग गया और झाड़दार बांस लिए पतंग के स्वागत के लिए दौड़ी जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की कुछ खबर ना थी। मानो सभी उस आसमान में पतंग के साथ उड़ रहे हैं जहाँ सब कुछ समतल है, न ड्रम न मोटर न गन। कौन है? तो सब भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। युग साथ बाजार से लौट रहे थे। इन बाजारी लौंडों के साथ इन ढेले के कनकोवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कोई लिहाज नहीं कि अपनी नीची जमात में नहीं बल्कि 8वीं जमात में हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो? आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजिशन का ख्याल होना चाहिए।
एक जमाना था जब लोग आठवीं जमात पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही आठवीं जमात वालों को जानता हूँ जो आज अव्वल नंबर के डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी माथाती में काम करते हैं, और तुम उसी आठवीं दर्जे में आकर इन धेले के कनकौवे के लिए दौड़े चले जा रहे हो। मुझे तुम्हारे सुनों के लिए दुख होता है, तुम जहीन हो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लेकिन वो जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर रहा है। तुम अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और उन्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और तुम आज मेरी ही जमात में आ जाओ और इन परीक्षकों का यही हाल रहा तो निस्संदेह तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद, सिर्फ 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ। लेकिन लेकिन मुझ में और तुम में 5 साल का अंतर है, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे इस दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, फिर चाहे तुम एमएडी लिट या डीफिल ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने या उन्हें रटने से नहीं आती, हाँ दुनिया देखने से समझ जरूर आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं या 6ठी जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे इस सारी दुनिया की विद्या क्यों ना पढ़ने, लेकिन अम्मा और दादा को हमें समझाने का और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। और वो केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस तरह की राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने विवाह किया, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये चाहे कोई भी बात उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे कहीं ज्यादा है। अब देर ना करे, कल के दिन को मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव भूल जाएंगे और दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ और ना सूझेगा। लेकिन वहीं अगर तुम्हारी जगह पर दादा हो तो ना घबराए, ना बदहवास हो, ना किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, पहले मरज पहचान कर खुद इलाज करेंगे और अगर उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। खैर छोड़ो, बीमारी तो बहुत बड़ी बात है, हम और तुम तो ये भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 दिन में खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, बूढ़ी और नई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज जितना तुम और हम खर्च कर रहे हैं ना, उसके भी आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है। इसमें कुल मिलाकर 9 आदमी थे। अब अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं। और यहाँ के नहीं, ऑक्सफोर्ड के। उनके घर का इंतजाम कौन करता है भला? उनकी बूढ़ी माँ हो गई ना यहाँ हेडमास्टर साहब की डिग्री बेकार। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पुराना पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माता जी ने प्रबंध संभाला है मानो घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो भाईजान ये गुरु से निकाल दो कि तुम मेरे समकक्ष आ गए हो और स्वतंत्र हो, मेरे रहते तुम बेराना चल पाओगे, और अगर तुम यो ना माने तो मैं मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। आप सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजन नेत्रों से कहा, अब जो कुछ फरमा रहा है वो बिल्कुल सच है और उसे आपको कहने का हक भी है। मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी चाहता है, लेकिन खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। संयोग से कटल और कनकौवा ठीक हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, बालकों का कुछ झुंड पीछे दौड़ा चला आ रहा था, भाई साहब तो लंबे हैं, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़ चले। छोटे, और मैं भी दौड़ रहा था। छोटे, भाई साहब, पत्र 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 पत्र
देगा। चल 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 आजा। लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं, पीली लाल पतंग उड़ाऊं। yeah!